आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम इसके चैनल पे जाके देखो, तो क्या बना के दिया, कुछ नहीं दिख रहा हूं मैं, मुझे बता। अब यहाँ पे पूल टेबल है, इंडिया से लैपटॉप लेके आए या यहाँ अकेले। मैं छोटा सा फॉर्म साइन करना पड़ता है, तुम्हें प्रूफ दिखाना पड़ता है कि तुम हम्बल कॉलेज के स्टूडेंट हो। कलमी नहरी मैं ये बोलना चाहूँ बहुत अच्छे कपड़े हैं, बट बहुत अच्छे बोल भैया, कितना अच्छा बोला। इफ यू वांट टू वॉच समथिंग एल्स रिलेटेड टू कनाडा, तो भाई हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण एज यू नो, एंड आज हम आ गए हैं हम्बर कॉलेज पे और मेरे साथ है आस्था वाधवा। हेलो हेलो, एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, शी वर्क्स एट हम्बर। आई वर्क इन द जिम एज फैसिलिटी अटेंडेंट एंड आई एम अ डांस टीचर, तो टुडे वी गोना डू कैंपस टूर। तो ये व्लॉग जो होगा दोनों चैनल्स पर डलने वाला है, तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मेक श्योर, एंड चलो चलते हैं। बड़ा एग्रेसिवली एज़ सून एज़ वी एंटर, जब हम एंटर करते हैं यहाँ पे है स्टारबक्स। एक सेकंड ज़ूम करके दिखा देते हैं थोड़ा चल के, लेकिन स्टारबक्स बंद हो चुका, अभी तुम्हें जाले दिख रहे होंगे। सो ये है मेन एनआरसी बिल्डिंग, ऊपर जाएंगे तो स्टडी एरिया है, एंड देन दिस इज द वेलकम सेंटर इंफॉर्मेशन डेस्क। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू आर न्यू टू हम्बर, यू कैन ऑलवेज कम हियर एंड आस्क योर डाउट्स। ओके, मैं नहीं आ रहा हूँ उस वीडियो में अभी, नहीं 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 तेरा ही है जो भी है। तुमने ये सब मेरे से व्लॉग्स में भी देखा होगा, इसको पहली बार देख रहे हो तुम मेरे व्लॉग्स में? फंबल फंबल फंबल, ये तो डालू मैं उल्टा, मैं निकाला मेरा वो है, देख लो भाई। ये है ग्रेटिट्यूड हॉल, यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया है, इफ यू वांट टू स्टडी यहाँ पे आप आके चिल कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में यहीं पे चिल किया है जब मेरे कोई दोस्त नहीं थे यहाँ पे। That's me right now. ਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਓ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਮੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਰਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ 11:11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਮਕੋ ਸਟਰੀਟ ਕੈਫੇ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਕੈਫੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸਮੋਸਾ ਚਾਟ ਫॉर 699, ਨਾਟ 699, 6.99। ये टेक सेंटर है भाई, यहाँ से तुम्हें लैपटॉप मिलेगा उधार पे, मैं तुम्हें पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। फॉर द पीपल हु आर इन इंडिया और यहाँ पे आना चाहते हैं, उनका एक क्वेश्चन रहता है कि हम इंडिया से लैपटॉप लेके आए या यहाँ अकेले। सो माई आंसर वुड बी कि आप अपने कॉलेज के साथ चेक करो, इफ दे हैव रेंटेड लैपटॉप स्कीम तो यहाँ पे रेंट करो, डोंट गो फॉर न्यू लैपटॉप। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने लैपटॉप रेंट किया था, एंड उनका लैपटॉप परफेक्टली फाइन है, बहुत बढ़िया चलता है, एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट अगर तुम यहाँ पे आए हो तो सेमेस्टर शुरू होने के पहले 2-3 दिनों में ही लैपटॉप रेंट कर लेना। तुम लेट करोगे, बहुत बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता, ट्रस्ट मी, सबके, बहुत लोगों के पास नहीं होता, एंड वो ले लेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। दिस इज इग्नाइट ऑफिस, इग्नाइट क्या बोलूं, क्या है इग्नाइट, इज ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ लिंक बिटवीन कॉलेज एंड स्टूडेंट्स। सो दे ऑर्गेनाइज डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स ऑन कैंपस, हर दूसरे दिन इनका कोई इवेंट चलता है व्हिच इज रियली फन। ओके लेट्स गो। तो भाई अगर तुम्हें कपड़े लेने बहुत पसंद है तो मेरे पीछे कपड़ों की मार्केट भी है, तुम यहाँ से कपड़े ले सकते हो, एंड डिज़ाइन बढ़िया है यहाँ के। आस्था कुछ बोलना चाहेगी कपड़ों के बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगी बहुत अच्छे कपड़े हैं, बट बहुत अच्छे बोल भैया, कितना अच्छा बोला है। हाँ सब दे, ये गवर्नमेंट एक्सप्रेस है। At the moment everything is closed क्योंकि क्या टाइम हो चुके हैं, अभी शूटिंग 6 बज रहे हैं, 6 बज चुके हैं, बट इट्स फ्राइडे तो एवरीथिंग इज क्लोज्ड। वैसे कितने बजे बंद होता है? आई थिंक दे ओपन टिल 6:30 ऑन नॉर्मल डेज, बट आज फ्राइडे है तो देखो ज्यादा लंबा नहीं करना ब्लॉग को, फालतू का जरूर, बहुत पूरा कैंपस बड़ा है। दिस इज द एरिया बुक स्टोर के सामने, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं FIE के साथ, लाइफ एट हम्बर एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे हमने बॉल पर परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा तुम यहाँ नाचते हो? हाँ दिस एरिया, व्हाट डू यू मीन नाचते हो? अब डले, अब तो जा अंदर जा। दिस इज द मोस्ट बिजीएस्ट कैफे है मोस्ट, सही में टिम हॉर्टन्स में सबसे ज्यादा रश रहता है। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स, ये देख लो भाई, ये साइड वो उधर सारी कलनरी वाली लैब्स, आई डोंट नो हाउ टू से कलनरी व्हाटएवर, कलमिनरी, कलमी, कॉलमी, कॉल, कलमिनरी, कलनरी। हाँ ये कर लो पहले। सो वी आर एंट्रिंग ए बिल्डिंग फ्रॉम हियर, दिस इज द जिम एरिया,
आपको स्पोर्ट्स वाली सारी चीजें अब दिखनी शुरू हो जाएंगी। These are some athletes college के। ये सुंदर सुंदर चेहरे देख लो लोगों के जो कभी हमर के लिए खेला करते थे, फिर खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं इस टाइम पे करंट प्लेयर्स। ओह, तो ये फोटोज हर साल चेंज होती है, मतलब ये है जिम एरिया और ऐसे बोलने का आदत नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे जाओगे तुम्हें एक साइन अप करना पड़ता है, एंट्री फ्री है, जिम के अलग से पैसे नहीं देने पड़ते जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होता है। मैं पहले यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में, एंड वहाँ पे करने पड़ते थे तुम्हें जिम के अलग से। हमर में अच्छी बात है कि पे नहीं करने पड़ते, जिम बहुत बड़ा है। एंड एज शी टोल्ड मी कि हम जिम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वी आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड, जो मैंने पिछले लॉग्स में कर रखा है, बट क्योंकि ये लोग दोनों में शेयर होने वाले इसलिए वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज शी इज़ एम्प्लॉयड एट हमर्स जिम। बाकी तुम अंदर जाओगे तो मैं एक छोटा सा फॉर्म साइन करना पड़ता है एंड तुम्हें प्रूफ दिखाना पड़ता है कि तुम हमर कॉलेज के स्टूडेंट हो, और उसके बाद यू कैन जस्ट गो। जिम पर जाकर एक्सरसाइज लगाओ, कार्डियो सेक्शन है, जिम सेक्शन है, मेरे पीछे ब्लॉग्स में जाकर देख सकते हो हमर के, जिम बिग इनफ है, तुम्हें एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट मिल जाएगा। कि हमें वेट करना पड़ रहा है इक्विपमेंट खाली होने के लिए, सब कुछ खाली ही मिलेगा। एंड प्यार के नंबर 3 कम्युनिटी मेंबर बस दुबारा, नहीं, नहीं, दुबारा। ये मेरे में तो जाने वाला सब कुछ ब्लूपर, तेरे में तू डाल चाहे ना डाल, दो एडिट करेगा। मैं अपने में एडिट करके तेरे को भेज दूंगा, तेरे को जो जो हटाना हो तो हटा दियो। इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं पहले तेरा देखूं फिर वो एडिट करूं फिर से। अच्छा, सो गाइस दिस इज द जिम एरिया। यहां पे अगर आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, इट्स फ्री फॉर यू। आपको बस एक फॉर्म फिल करना है और अपनी स्टूडेंट आईडी दिखानी है, दैट्स ऑल। एंड देन दे हैव 3 सेक्शंस अपस्टेयर्स, कार्डियो रूम, फंक्शनल ट्रेनिंग एरिया, वेट रूम। यू जस्ट हैव टू बी प्रॉपर जिम क्लोथ्स, दैट्स ऑल। And if you are not a student of Humber or employee, आप membership ले सकते हो, which is only 203 for 6 months, and सब कुछ included है, like the drop-in sports, fitness classes, like they also offer fitness classes, like I teach 2 classes here, Bhangra, Bollywood and Hip Hop, there are other classes as well, Zumba, Circuit, Cardio, Kickboxing, everything. Circuit? Yeah. Munna bhai? मेरे को नहीं पता। So hi guys, I have my coworker with me. This is Jay. This is Darlene. So do you have something to say about Humber Gym? I'll just say come to the gym and come and play some of these sports. We have indoor football, we have basketball, volleyball. Indoor football is the best one because that's the best sport. Yeah. Okay. That's, do you have any schedule for these sports? Indoor football is actually pretty sure it's Thursdays and Mondays. Okay, thank you. Darling, do you want to say something? No. Okay, thank you. So this is the gym. This is where all the drop-in sports take place. So now I have my friend Harshal with me. He's going to explain what Ignite is basically. No, he's not Harshal, yeah. So this is Harshal. Harshal, do you have something to say about Ignite? Like what it is? What it is and what is the exact role of Ignite? What does it do for students? So Ignite is basically the student union of both Humber College and the University of Cork Humber. And we also have a lot of part-time jobs for students, and we also have a board that helps make the decisions for the services that we offer to the students. And do you mind sharing how did you get the job at Humber? And do you like it? What's your experience on that? I love it. I've been involved at Humber for a long time now. So when I came here, the first year was just like COVID, so I didn't get involved too much. But then I got into Humber through Open House, and through then I kept the ball rolling. I got into Ignite. Then, yeah. So you're enjoying Humber? Would you recommend people to come to Humber? I will. If you want to actually study, and if you want to make use of the opportunities that the college will offer, definitely. Yeah. This main area, काफी हद तक हमने कवर कर लिया। वी स्टिल हैव एलआरसी लेफ्ट एंड कॉलेज बहुत बड़ा है, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी एनीथिंग एल्स और व्हाट डू यू वांट टू सी द व्लॉग इफ यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग, बट एटलीस्ट वी आर कवरिंग द मेन एरियाज। सो इफ यू वांट टू सी एनीथिंग एल्स और यू वांट अस टू मेक एनी अदर वीडियो रिलेटेड टू हम्बर, कमेंट डाउन एंड यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, वी हैव मेंशन आवर इंस्टाग्राम बिलो। एंड देन इफ यू वांट टू नो, अभी बोल रही है सडन उठना कि मैं व्लॉग, हां तो अभी बीच में बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं, रैंडम ब्लॉग बना रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू नो मोर कि हम्बर कैंपस पे जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है एंड कहाँ हम अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, किस टाइप्स की जॉब है, एंड देन कमेंट डाउन। एज आई वांटेड टू इंक्लूड वन मेन एरिया, लिंक्स कैफे, जहाँ पे पूल टेबल्स एंड देन टेबल टेनिस है, एंड वन फूड प्लेस विला मदीना फॉर शॉर्मा एंड स्टफ, बट वो अभी बंद है। चल तो भाई ये है सीढ़ियाँ, जैसे तुम देख सकते हो।
फूड एम्पोरियम, यहाँ पे बहुत सारे खाने की फूड प्लेसेस हैं। यहाँ पे बहुत सारी खाने की जगह है और तुम स्टेज देख सकता है सामने, यहाँ पे भी हमने परफॉर्म किया हुआ है, यहाँ पे भी नाच रखी है मैडम एंड गाइस इस स्टेज पे भी हमने परफॉर्म कर रखा है इन्होंने एंड दिवाली इवेंट था रियली वेल। मैंने इसकी डांस जो है परफॉर्मेंस इन पर्सन में देखी है, तो अगर तुम मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम इसके चैनल पे जाके देखो। तो क्या बना के कुछ नहीं दिख रहा होगा मुझे पता, ठीक है। सो अभी यहाँ बहुत खाली दिख रहा होगा आपको, बट अगर आप शाम के टाइम पे तो यहाँ पे लंच टाइम में इट्स वेरी 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 बिजी ऑलवेज। तो यहाँ पे अंदर बहुत सारी फूड लोकेशंस है, तेरियाकी एक्सपीरियंस, रसोई, वेरे सर नान चने एवरीथिंग एंड पिज्जा पिज्जा बूस्टर जूस, काफ़ी कुछ है एटलीस्ट 9 to 10। तो भाई जैसे तुम देख सकते हो कॉलेज बहुत बड़ा है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत हैं। अगेन आई नो कि हमें व्लॉग जो था हमें दोपहर के टाइम बनाना चाहिए था जब यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते, बट रश्मि तुम्हें इतनी चहल पहल दिखेगी कि लोग घूमेंगे भी, बट द सेम टाइम विल बी लाइक कि हाँ बैठने की जगह मिल रही है कम से कम। सो गाइस नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है स्लीप लॉन्च, सोने की जगह। अगर आप क्लासेस में से जल्दी फ्री हो रही हो लॉट ऑफ गैप, you just need your student ID, photo ID, and then you're good to go and sleep there for 1 hour. एक घंटे बाद आपको उठा देंगे। तो भाई ये है मेरा media arts का center and मेरी सारी क्लासेस यहीं लगती हैं as you can see. हम्बर का एक बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, that's called हम्बर arboretum. But वो जो दिन में ही जा सकते हैं, अभी वो बहुत ठंड होगी वहाँ पे and everything's very dark there. तो but किसी दिन part 2 बना के हम वहाँ जरूर जाएंगे। यहाँ पे जो एक गेम था आई थिंक इट्स फॉर $2 और $1, आई फॉरगॉट बहुत टाइम पहले आई थी मैं यहाँ पे। तो गाइज अभी हम आए हैं लिंक्स कैफे, यहाँ पे पूल टेबल शांत अभी यहाँ पे पूल टेबल है एंड देन टेबल टेनिस एंड एक कैफे, नॉट कैफे, फूड प्लेस, इट्स वेरी नाइस अगर आपको चिल करना है, स्नूकर खेलना है, ये वेली है गाइज। गाइस ये भी है आस्था, लुक एट द टैटूज, क्यूटी। कुछ हम्बर के बारे में बोलना चाहेगी? नहीं यार बहुत बढ़िया कॉलेज है, देखो पूल खेलते रहते हैं यहाँ पे, सब कुछ प्रोवाइड करता है। कोर्स कौन सा है तुम्हारा? मीडिया कम्युनिकेशन। कैसा लग रहा है? मेरे सेम कोर्स में है। दिस गाइस आर द सेम कोर्स। तो भाई अभी हम व्लॉग को खत्म करने लगे हैं, पूरा हमने दिखा दिया जो दिखा सकते हैं, बट दिस इज जस्ट द पार्ट 1। पार्ट 2 भी अगले हफ्ते रिकॉर्ड करेंगे हम, उसके अंदर तुम्हें हम बाकी का बचा हुआ हम्बर दिखाएंगे, इसमें तुम्हारा आर्बोरेटम आ जाएगा, स्विमिंग पूल आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। तो वी स्टिल हैव थोड़ी सी जगह और जो हम दिखा सकते थे, लाइक स्विमिंग पूल, LRC एंड लैब एरियाज, व्हाटएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज इट फॉर Thank you for watching guys, this is if you want to watch something else related to Canada student life in Humber or anything else, kuch bhi tumhe puchna ho wo tum hame comment section mein bata sakte ho, dono ke ya fir iske ya fir mere jiske bhi channel pe tum vlog dekh rahe ho, and hame wo answer pata hoga to hum short bana ke bhi tumhe answer de sakte hain। yeah thank you, okay bye guys।